सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। यार रिश्तो.com जी काउंसलिंग छा थी नहीं है? अच्छा तो बुधाएं, को भी छोकरो या छोकरी रिश्तो.com जी वेबसाइट ते हिकबे जो प्रोफाइल पसंद कन था एं जे गालण में हिचकिचाइन था त रिश्तो.com हुनन जी मीटिंग कराए गाल बोल के अगे वधाइना एं जे गाल ठई त शादी फिक्स। रिश्तो.com सिंधियन जो सिंधियन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने कई बार राष्ट्रवादी मुक्त किया है, कालानी मुक्त किया है। आप देखेंगे इतिहास है कि कालानी मुक्त किया था, बहरानी मुक्त किया था, इदनानी मुक्त किया था, लेकिन कभी आज तक जब से मेरा जन्म हुआ है, चाहे जनता पार्टी हो, जनसंघ हो या भाजपा हो, उल्लासनगर कभी भाजपा मुक्त नहीं हुआ है, नहीं होगा। 45+ का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, आने वाले दिनों में सभी का सुपड़ा साफ होगा। उल्लासनगर महानगर पालिका के होने वाले चुनाव को देखते हुए अब राजनीतिक पार्टियों में कार्यकर्ताओं की इनकमिंग शुरू है। इसी कड़ी में आज कैंप 2 स्थित कैलाश पर्वत हॉल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश सचिव गुलाब करुंजले, आमदार कुमार एलानी और शहर अध्यक्ष जमनू पुरस्वाणी जी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पक्ष में प्रवेश किया, जिनमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम, जय श्री राम। आज यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के 8 वर्ष का सुशासन, गरीब कल्याण योजनाओं को देखते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से मुख्य रूप से हमारे महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के सचिव गुलाब करंजले जी के अध्यक्षता में, आमदार कुमार एलानी जी के नेतृत्व में और हमारी पूरी टीम यहाँ पर कई लोगों ने प्रवेश किया है। मुख्य रूप से राकेश अमरनाथ पाठक जी बिरला गेट से राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रवेश किया। धोबीघाट से संजय तिवारी जी ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। गौतम मोरे जी ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में प्रवेश किया। अक्षय लाल चौहान जी ने जवान महासंघ की पूरी टीम पंजाबी कॉलोनी की लेकर के आज यहाँ पर कई कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में प्रवेश किया। कई महिलाओं ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है और यहाँ पर हमारे रुपेश सिंह, सचिन तिवारी, मधुकर जी, पांडे जी, नरेंद्र सिंह, टेकू मंगतानी, मोहित पंजाबी और अनेक अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने अपनी अलग अलग टीमें लाकर अलग अलग पक्षों से, अलग अलग जातियों से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में प्रवेश किया है। मैं सभी का तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में हर एक व्यक्ति को समय अनुसार पद मिलते हैं, क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी मुक्त उल्लासनगर होगा। हमने कई बार राष्ट्रवादी मुक्त किया है, कालानी मुक्त किया है। आप देखेंगे इतिहास है कि कालानी मुक्त किया था, बहरानी मुक्त किया था, इदनानी मुक्त किया था, लेकिन कभी आज तक जब से मेरा जन्म हुआ है, चाहे जनता पार्टी हो, जनसंघ हो या भाजपा हो, उल्लासनगर कभी भाजपा मुक्त नहीं हुआ है, नहीं होगा। 45+ का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, आने वाले दिनों में सभी का सुपड़ा साफ होगा। 45+ के लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कई लोग पक्ष में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें लिस्ट ऊपर भेजनी पड़ती है, जांच पड़ताल करनी पड़ती है। यह गुंडों और मवालियों की पार्टी नहीं है। यहाँ पर अच्छे अच्छे कार्यकर्ता जो जनमानस की सेवा कर सकें, गरीब जनता तक हमारी सेवाएं पहुंचा सकें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय है, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन की सेवाएं पहुंचाने वाला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसके 16 करोड़ सदस्य हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसके सबसे ज्यादा सांसद हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसके सबसे ज्यादा आमदार हैं,
विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसके सबसे ज्यादा दलित सांसद हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी में आज आपको गर्व महसूस होना चाहिए। मुझे गर्व है कि मैं उल्लासनगर जिला भाजपा का अध्यक्ष हूँ। नहीं, नाराजगी का तो कोई विषय नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का काम और योगी जी, देवेंद्र जी और हमारे आमदार जी कुमार लानी जी, गुलाब सेठ, जमनू सेठ, महेश सुखमानी जी, ये लोग का काम देख के मैंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। हमारे पूरे बिरला गेट, तानाजी नगर, कुछ इधर शार फाटक, सैकड़ों कार्यकर्ता, धोबीघाट कॉलोनी, सेंचुरी कॉलोनी, सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ मैंने प्रवेश किया। राष्ट्रवादी ने आपको उपाध्यक्ष का पद था, वो छोड़ के आप आए, बड़ा पद मिल गया? नहीं, पद के लिए तो ये मैं विषय में नहीं आया हूँ, पद का कोई ऐसा मेरा ये विषय में बात नहीं हुआ है, और बाकी पद का जो रहेगा पार्टी में मैं काम करूंगा, आगे देखा जाएगा। चुनाव में आप किस प्रकार से बातें हैं जनता पार्टी का कार्यकर्ता? जो मेरे को काम करने का मौका मिलेगा हर चीज में मैं भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश करूंगा। पार्टी एक तो परिवारवाद की पार्टी नहीं है, और ये बस्ती से लेके लोग कार्यकर्ता बस्ती से जुड़ते हैं और प्रदेश तक जाते हैं। ये देश के लिए बहुत अच्छी पार्टी है, और इसका जो विचार है वो विचारों से हम लोग बहुत प्रेरित है। आपका नाम क्या है? सचिन सुभाष चंद्र तिवारी। कौन सी पार्टी से पार्टी है? मैं कोई भी पार्टी से नहीं, मैं जब से पैदा हुआ तब से बीजेपी पार्टी है। अभी इस समय मैं ज्वाइन किया, मैं और मेरे दोस्त रूपेश सिंह ने, हम लोगों ने ज्वाइन किया क्योंकि हमें उल्लासनगर विकास का कुछ ना कुछ एजेंडा हमने देखा है जिसको हम फॉलो करना चाहता है, जो हमारे उल्लासनगर वासियों का डेवलपमेंट हो, यही हमारी एक नियत और नीति है हमारी। मैं अक्षय लाल चौहान, मैं राष्ट्रीय चौहान महासंघ जो लगभग सभी प्रांतों में है उसकी मैं महाराष्ट्र प्रदेश कार्य अध्यक्ष हूँ, और शास्त्री नगर से मैं दो बार चुनाव लड़ चुका हूँ। पहली बार बसपा से 20 वोट से सहारा था, दूसरी बार पप्पू कैलानी जी के सामने खड़ा था, पप्पू जाले कैलानी जी दो पैनल में थे, हम अकेला, हमारे सामने अकेला लड़ा था, फिर भी 650 से वोट पाया था मैं। आज बीजेपी में प्रवेश हो गया तो आज, हाँ आज बीजेपी में प्रवेश करने का कारण कि बीजेपी आज की तारीख में सबसे अच्छी और सबसे बेहतर और सबसे ताकतवर और गरीबों को जो मदद कर सके, गरीबों को जो भी सेवा कर सके उतना कर रही है, और हमको ये देख करके सबसे अच्छा लगा। आगे जो पार्टी के लोग हमको हमारे जो भी जिम्मेदारी देंगे उससे मैं निभाऊंगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।